मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजाए यूरोप जाने वाले 7 नौजवान जो हैं वो जहां बाग हो गए हैं, लेकिन एजेंट जो है उसने इस खबर को जो है 2 साल तक जो है लवाकिन से जो है वो छुपा के रखा और इन्हें ये नहीं बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो जहां बाग हो गए हैं। इस कश्ती हादसे में जो है वो 25 नौजवान जांबा को थे जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से जो है वो बताया जा रहा है। इमरान मेरा भाई आई असी रल के खेडीदा आई ते एजेंट उन्हें जांसा दे के इतों बाहर दा लै गया, मेरे तो तकरीबन 5 साल वड्डा आई। इन तीनों बच्चों के इन्होंने 20-20 लाख रुपये उसने पैसे वसूल किए, उसने बोला मैं लीगल तरीके से बच्चे इटली पहुँचाऊँगा। उस तो बाद उन्होंने कश्ती की गेम करा के उन्हें बच्चे वो डोब दिते। साना 2 साल बाद तकरीबन हम पता चलिया। अजी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन से मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजाए यूरोप जाने वाले 7 नौजवान जो हैं वो जहां बाग हो गए हैं। ये 7 नौजवान जो हैं ये अपने घरों से 2 साल पहले यूरोप जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन लीबिया के करीब जो है कश्ती हादसे में ये लोग जो हैं वो जहां बाग हो गए थे, लेकिन एजेंट जो है उसने इस खबर को जो है 2 साल तक जो है लवाकिन से जो है वो छुपा के रखा और इन्हें ये नहीं बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो जहां बाग हो गए हैं। अब इस एजेंट ने ये बात जो है इसकी तस्दीक की है कि ये नौजवान जो है ये जाबा को चुके हैं। एक मेरा भाई है कवल मुख्तार, 2 कजन है, एक हसन इमरान, एक कैवान अली। हमसे भाई और के पैसे लिए थे और गैर कानूनी तरीके स्मगलिंग के जरिए मेरे भाइयों को बाहर ले गया है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि मैं इंसाफ में लेके जाए। इन तीनों बच्चों के इन्होंने 20-20 लाख रुपये उसने पैसे वसूल किए, उसने बोला मैं लीगल तरीके से बच्चे इटली पहुँचाऊँगा, लेकिन उस वलगला के बच्चे सन तां पता चलिया उस बच्चे लीबिया एंटर किए। उस तो बाद उन्होंने कश्ती की गेम करा के उन्हें बच्चे वो डोब दिते। सन 2 साल बाद तकरीबन हम पता चलिया। इमरान मेरा भाई आई असी रल के खेडीदा आई ते एजेंट उन्होंने जांसा दे के इतों बाहर दा लै गया, मेरे तो तकरीबन 5 साल वड्डा आई। हूँ ही वो शादी हुई आई तो यह उत्थे लै गया लीबिया बच्च इतों सन बाइयर दाख उत्ते जाके मेरे भाई डोब के मार छेड़े। गवर्नमेंट अगे साड़ी अपील है सन इंसाफ मिले। इस कश्ती हादसे में जो है वो 25 नौजवान जहां बाग हुए थे जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से जो है वो बताया जा रहा है। जैसे ही ये खबर जो है वो घरों में पहुंची तो वहां पे एक जो है वो सफ़े मातम बिछकी और हर आंख जो है वो अश्कबार दिखाई दी। लवाहिकीन जो है वो दुहाइयां देते दिखाई दी। उनका ये कहना था कि इन एजेंट्स को जो है 20-20 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। एजेंट ने हमें ये कहा था कि ये 20 लाख में बाइयर जो है वो यूरोप जाएंगे, लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं इनको गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाते हुए ये बच्चे जो हैं वो जहां बाग हो गए हैं। इस पर लवाहिकीन जो है वो काफ़ी रंजीदा दिखाई दिए। इन 7 नौजवानों की जो नमाज जनाजा है गायबाना नमाज जनाजा वो इनके आबाई इलाकों में जो है वो अदा कर दी गई है। इसमें 3 नौजवान एक ही खानदान के बताए जा रहे हैं, जो बाओवाल का गांव है वहां पे इन 3 नौजवानों की जो है गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इसके अलावा 3 नौजवान जो है वो भिक्की शरीफ के बताए जा रहे हैं, जबकि एक जो है वो छिमो का जो है नौजवान वो बताया जा रहा है। इन 7 नौजवानों की जो नमाज जनाजा है गायबाना नमाज जनाजा वो अदा कर दी गई है। लवाहिकीन जो है उन्होंने इस हवाले से ये मुतालबा किया है कि इनकी दादरसी जो है वो की जाए, इनके मुलजमान जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ FIA जो है इन जो मुलजमान हैं इंसानी स्मगलर्स जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन मौसर कानून साजी ना होने की वजह से ये मुलजमान जल्द ही जेलों से दोबारा बाहर आ जाते हैं और इस तरह के घनौने काम जो है वो दोबारा शुरू कर देते हैं, लोगों की जानों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो लवाहिकीन जो है इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म जो है उनसे मुतालबा किया है कि इन इंसानी स्मगलों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए।